रणबीर कपूर और संजय दत्त की फिल्म शमशेराने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर कर दिया है बड़ा धमाका और पहले दिन ही करोड़ों की कमाई करके कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शमशेरा फिल्म के फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे फिल्म का बजट कितना है, फिल्म की स्क्रीन कितनी है और इस फिल्म में काम करने के लिए सभी को कितने करोड़ की फीस मिली है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों शमशेरा जो कि एक पीरियड ड्रामा एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं बॉलीवुड के चॉकलेटी सुपरस्टार रणबीर कपूर और उनके साथ में है खलनायक संजू बाबा। साथ ही साथ इस फिल्म में नजर आ रही है वाणी कपूर। तो दोस्तों फिल्म का ट्रेलर पहले ही सुपर डुपर हिट हो चुका था और फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट मास मसाला एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर शमशेरा फिल्म को 2022 की बॉलीवुड की तरफ से सबसे बड़ी ओपनिंग मिल चुकी है और इस फिल्म ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 2 का फर्स्ट डे कलेक्शन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों बात करें फिल्म के कलेक्शन की, उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म का टोटल बजट। तो दोस्तों आपको बता दें कि शमशेरा फिल्म में काम करने के लिए रणबीर कपूर ने फीस ली है 25 करोड़ रुपए की। वही दोस्तों फिल्म में संजय दत्त ने सुद्धि सिंह का कैरेक्टर प्ले करने के लिए 8 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इसके अलावा फिल्म के हीरोइन वाणी कपूर की फीस है 4 करोड़ रुपए, यानी कि फिल्म के जो 3 मेन लीड एक्टर्स है उनकी फीस हो जाती है लगभग 37 करोड़ रुपए। इसके अलावा दोस्तों फिल्म की जो बाकी सपोर्टिंग कास्ट है और फिल्म का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि फिल्म को जो बाकी बनाने में खर्चा आया वो था लगभग 100 करोड़ रुपए। इसके अलावा दोस्तों फिल्म का जो प्रमोशन है वो भी जोरों शोरों से किया गया था और फिल्म के प्रमोशन का टोटल खर्चा लगभग 15 करोड़ रुपए का रहा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर शमशेरा फिल्म का जो टोटल बजट होता है वो हो चुका है लगभग 150 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों ये फिल्म टोटल 150 करोड़ के बजट में बनी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती उसके पहले ही ये फिल्म अपने बजट के लगभग आसपास के कमाई कर चुकी थी। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर शमशेरा फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है यानी कि OTT पर दिखाने के राइट्स वो बिके हैं 60 करोड़ में, जिसे खरीदा है Amazon प्राइम ने। इसके अलावा दोस्तों इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट्स से यानी कि टीवी पे दिखाने के राइट्स से वो बिके हैं 30 करोड़ में। तो यहाँ पर दोस्तों 150 करोड़ के बजट में बनी शमशेरा फिल्म ने रिलीज होने से पहले अपने डिजिटल राइट और सैटेलाइट राइट्स से बेचकर 90 करोड़ की रिकवरी पहले ही कर ली थी। अब आपको बता दें दोस्तों शमशेरा वैसे तो बॉलीवुड की फिल्म है लेकिन इस फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी डब करके रिलीज किया है और दोस्तों ये फिल्म तीनों भाषाओं में ऑल इंडिया में 4,350 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। वही इस फिल्म को ओवरसीज यानी कि विदेशों में लगभग 1200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। मतलब कि दोस्तों यहां पर शमशेरा फिल्म को दुनिया भर में टोटल 5,550 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, जो कि इस साल बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई है ना उनसे कहीं ज़्यादा स्क्रीन से। तो दोस्तों ज़्यादा स्क्रीन होने की वजह से ही फिल्म के जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो भी इस साल रिलीज हुई बॉलीवुड की बाकी फिल्मों से ज्यादा आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में 12-15% की ऑक्यूपेंसी मिली है और कई जगह पर तो यह फिल्म पूरी तरह से भी हाउसफुल है। लेकिन दोस्तों फिल्म की इवनिंग और नाइट शोज की जो बुकिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो जो रिपोर्ट अभी तक यानी कि मॉर्निंग शोज के हिसाब से आई है उसे देखते हुए लग रहा है कि शमशेरा अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 15 करोड़ का कर रही है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 18 करोड़ रुपए। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म का जो फर्स्ट डे ओवरसीज यानी कि विदेशों का ग्रोस कलेक्शन है वो 6 करोड़ की रेंज में आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों शमशेरा का जो फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो रहा है लगभग 24 करोड़ की रेंज में। जी हां दोस्तों अभी तक यानी कि सुबह के हिसाब से लग रहा है कि फिल्म पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 15 करोड़ का कर रही है, वही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 24 करोड़ रुपए। हालांकि दोस्तों फिल्म के नाइट और इवनिंग के शोज में अगर एक बड़ा जंप देखने को मिला तो
फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा उछाल आ सकता है। लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि फिल्म पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन 15 करोड़ वही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन 24 करोड़ का कर जाएगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का बजट जहां 150 करोड़ रुपए है, तो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए इंडिया नेट कलेक्शन मिनिमम 165 करोड़ का करना होगा। तो अब देखते हैं दोस्तों शमशेरा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फाइनल कलेक्शन कहां तक कर पाती है। वैसे आपको क्या लगता है शमशेरा फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितने करोड़ का होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।